कर्नाटक वापस आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको देश में जो हो रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं। कल इनोवेशन के कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने इनोवेशन के दो उदाहरण दिए, टेक्नोलॉजी के दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण था कि एक ढाबे वाला था और उसके पास में, ढाबे के पास एक नाला था, और ढाबे वाले ने नई टेक्नोलॉजी बनाई, उसने नाले के अंदर एक पाइप डाला। नाले में गैस थी, बदबू थी, और ढाबे वाले ने पाइप डाला और अपने ढाबे का जो चूल्हा होता है वो नाले की गैस से चलाया। मतलब ये नरेंद्र मोदी जी की देश के लिए रोजगार की स्ट्रैटेजी है। नाले में से पाइप लगाओ, ढाबे में जो कुकर होता है उसमें लगाओ और ढाबे में पकोड़े बनाओ। यह है नरेंद्र मोदी जी की हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने वाली स्ट्रैटेजी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की और अब कहते हैं पकोड़े बनाओ, हम आपको गैस नहीं देंगे, गैस भी आपको नाले में से निकालकर कुकर में डालनी पड़ेगी। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया, उनको ये गुजरात में दिखाई दिया था। कहते हैं हमारी कॉन्वॉय चल रही थी और मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति ने ट्रक का जो ट्यूब होता है वो भरा हुआ था, हवा से भर के वो ले जा रहा था, तो मोदी जी ने अपनी कॉन्वॉय रोकी। किसान से कहता है, कहते हैं ये क्या है भाई? किसान कहता है मेरे घर में मैंने एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा है, उसमें मैं कचरा और गोबर भरता हूं, उसमें से मैं गैस निकालता हूं, गैस को मैं ट्यूब में डालता हूं और ट्यूब की गैस से मैं अपने खेत में पंप चलाता हूं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की किसानों के लिए स्ट्रैटेजी। सरकार, हिंदुस्तान की सरकार आपका कर्जा माफ नहीं करेगी, बारिश ओला गिरेगा आपको कॉम्पनसेशन नहीं देगी, आपको अपने घर में खड्डा खोद कर उसमें गोबर भर के उससे गैस बना के अपना पंप चलाना है। यह है नरेंद्र मोदी जी की युवाओं की और किसानों की स्ट्रैटेजी। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने आपको वायदा किया था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाऊंगा। 10 रुपए मिले आपको? कोई है यहां पे जिसको 10 रुपए मिले? एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, चुनाव में हमने आपको एक वायदा किया था, हमने आपसे कहा था कि जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हमारा पहला काम
किसानों के कर्जा माफ करने का होगा। याद है आपको, जो हमने कहा था, जो हमने आपसे कहा था, हमने आपको करके दिखा दिया। 31,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर्नाटकों के किसान का, जो हमने आपको वायदा किया था, हमने उसको वायदे को पूरा करके दिखा दिया। अब आप दूसरी तरफ देखिए, कभी मोदी जी गैस की बात करेंगे, कभी स्वच्छ भारत की बात करेंगे, युवाओं को कहेंगे 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। चाइना से मुकाबला है, 24 घंटे में वो 50,000 युवाओं को रोजगार देते हैं। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में 450 युवाओं को रोजगार देते हैं। किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े भाषण करेंगे, अगर उनके शब्दों में सच्चाई है तो मैं नरेंद्र मोदी जी को स्टेज से चैलेंज देता हूं। कर्नाटक की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, आपके लोगों ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो किसान का कर्जा माफ करेंगे कर्नाटक में। मैं नरेंद्र मोदी जी को स्टेज से चैलेंज देता हूं, कर्नाटक के कर्जा माफी का पैसा आधा 50% आप देखा के दे दो, देके दिखा दो। आप में दम है, 56 इंच की छाती है, तो आप किसानों का कर्जा माफ आधा पैसा हिंदुस्तान की सरकार से करके दिखा दो। मगर नहीं, आप नहीं करोगे। 2.5 लाख करोड़ रुपया आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो, मगर कर्नाटक के किसान के लिए आप 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते हो। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी की बात की, कहा हमने एमएसपी बढ़ा दी। यहां माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, पूरे देश में इन्होंने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया एमएसपी बढ़ाई, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक के किसानों का कर्जा माफ किया है। मतलब जो उन्होंने पूरे देश के किसानों के लिए किया, उससे 3 गुना ज्यादा कर्नाटक की सरकार ने करके दिखा दिया। और इधर उधर घूमते हैं, कहते हैं भैया मैं किसानों के लिए काम करता हूं, किसानों की रक्षा करता हूं। पूरे देश में आत्महत्या करते हैं किसान, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। प्रधानमंत्री मत बनाओ, देश का चौकीदार बनाओ। पार्लियामेंट हाउस में मैंने राफेल पर भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में पूरे देश को मैंने समझाया कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में भ्रष्टाचार किया है। थोड़ा सा मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको भी मालूम होना चाहिए। बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी हवाई जहाज बना रही है, एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज बनाया, मिग हवाई जहाज बनाया, जैगवार हवाई जहाज बनाया, सुखोई हवाई जहाज बनाया। बीदर में जो एयरबेस में हवाई जहाज उड़ते हैं उसको भी एचएएल ने बनाया। यूपीए सरकार ने राफेल डील एचएएल पब्लिक सेक्टर कंपनी को दी, 126 हवाई जहाज खरीदने थे, हमने फ्रांस की कंपनी को बताया
कि हवाई जहाज कर्नाटक में बनेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को दी जाएगी और लाखों युवाओं को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का रोजगार मिलेगा। लाखों युवा देश में इंजीनियरिंग करते हैं, हम चाहते थे कि वो भी राफेल हवाई जहाज को बनाए, वो भी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए काम करें। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, एचएल को कॉन्ट्रैक्ट से हटा देते हैं, स्वयं जाते हैं पेरिस फ्रांस जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान 126 हवाई जहाज नहीं खरीदेगा, सिर्फ 36 हवाई जहाज खरीदेगा और एक हवाई जहाज का दाम, अब सुनिए मजेदार बात सुनिए, जहां पहले एक हवाई जहाज का दाम 526 करोड़, नरेंद्र मोदी जी के चौकीदार वाले नए कॉन्ट्रैक्ट में एक हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपया। यूपीए ने 526 रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की, चौकीदार ने एक हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए का खरीदा, एचएएल को परे किया और अपने मित्र अनिल अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। मजे की बात सुनिए, एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है। कर्नाटक के युवाओं, इस बात को आप अच्छी तरह सुनिए, एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है। अनिल अंबानी जी ने अपनी जिंदगी में कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी हवाई जहाज नहीं बनाया। जिस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुई। और तीसरी बात, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, 36 हवाई जहाज फ्रांस में बनेंगे, मगर अनिल अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये सब मैंने खुल के लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने बोला। मैंने प्रधानमंत्री को यह भी बोला कि आपकी रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान के युवाओं से झूठ बोला है, और मैं यहां स्टेज से फिर दोहराना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने इस देश के युवाओं को झूठ बोला है। झूठ क्या बोला? निर्मला सीतारमण ने बोला कि फ्रांस के साथ हिंदुस्तान का एक सीक्रेट पैक्ट है, सीक्रेट पैक्ट में लिखा है कि हवाई जहाज का दाम बताया नहीं जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए, मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे पूछा, आमने सामने बैठकर पूछा, मैक्रॉन साहब आप मुझे एक बात बताइए, क्या फ्रांस के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में राफेल के दाम पर कोई सीक्रेट पैक्ट है? क्या हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार ने पैक्ट साइन किया है कि हिंदुस्तान की जनता को राफेल का दाम नहीं बताया जा सकता है? फ्रांस का राष्ट्रपति मुझे कहता है नहीं, राफेल हवाई जहाज का दाम सीक्रेट पैक्ट में नहीं आता है, अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहती है
अगर रक्षा मंत्री चाहती है, अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाहता है, वो पूरे देश को रफाल हवाई जहाज का दाम बता सकता है। मेरे शब्द नहीं है, मिस्टर मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति के शब्द हैं। मीटिंग में मेरे साथ आनंद शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी बैठे थे। ये मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने उनके मुंह पे बोला, मैंने उनसे आंख में आंख मिलाई। देखिए, जो चोरी करता है आंख में आंख नहीं मिला सकता है। नरेंद्र मोदी जी, मैंने उनके आंख में आंख मिलाई। कभी उधर देखें, कभी नीचे देखें, कभी ऊपर देखें, कभी दाएं बाएं देखें, मगर मेरी आंख में आंख नहीं मिला।